सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 के लिए आज प्रचार का अंत दिन है। खबरों के मुताबिक रविवार 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, इसके उपरांत मंगलवार 7 दिसंबर को गिनती की जाएगी। इस बार एमसीडी में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगस्त महीने में ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर जगह दी है। साथ ही जयवीर शेरगिल को भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दे दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों से ये खबर मिली है। हालांकि कैलिफोर्निया की ओर से इसे भारत सरकार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। भिवाड़ी जिले में हुए बड़े सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बांसूर में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। ये चारों युवक बाइक से बांसूर से कोटपुतली जा रहे थे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सुकेश ने अपने पत्र में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। उसने कहा कि उसे जेल में धमकियां मिल रही थी, इसीलिए मीडिया के सामने बयान देने पड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 2 गुटों में झगड़ा और मारपीट हुई है। एबीवीपी का कहना है कि कुछ बाहरी वामपंथी असामाजिक तत्वों ने एबीवीपी की छात्रा कार्यकर्ता पर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की थी। बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल गुरुवार सुबह तड़के एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक इमारत की सीढ़ी से गिरने के बाद गाय की कोहनी टूट गई, उनकी पसलियां टूट गई और उनके सिर में भी काफी गंभीर चोट आई। पीएम मोदी ने गुजरात के आनंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी अभी ईवीएम बोलने लगी है, हालांकि उसकी मानसिकता गुलामी वाली है। उनके समय में सिर्फ घोटाला होता है। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस और बीजेपी की सोच में काफी अंतर है। सहारा से भी विवाद मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश मामले में 3 जजों की बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने एमवी वैली की नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही बयानबाजी की गर्मी को केसी वेणुगोपाल ने ठंडा करने में कामयाबी जरूर हासिल की। वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं का हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत और पायलट का झगड़ा अभी सुलझा नहीं है। फीफा विश्व कप 2022 में अब तक कई विवाद सामने आए हैं। इस बीच ट्यूनीशिया और फ्रांस के बीच खेले गए मैच को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। इस मुकाबले में फ्रांस के लिए एंटोनी ग्रीजमैन ने एक गोल किया था। उन्होंने स्टॉपेज टाइम के 8वें और अंतिम मिनट में ग्राउंडेड शॉट से गोल किया, लेकिन इसे वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने खारिज कर दिया। एनआईए ने मंगलुरु विस्फोट मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में फैले आतंकवाद की जड़ें तलाशने के लिए एनआईए ने जांच तेज कर दी है। आरोपी मोहम्मद शरीक के चिकित्सकीय रूप से फिट होने के बाद जांच एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है और पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसके आकाओ तक पहुँचने के लिए केरल में जाँच तेज आगे बढ़ाई जा रही है। यूएन में भारत की अस्थायी एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी से भी ये सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को लेकर क्या करना चाहिए। भारतीय रेलवे ने आज यानी 2 दिसंबर को 240 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, जिसमें 206 ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल की गई, तो वहीं 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर लिया गया है। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक 16 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है और 43 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है।